है गाइस, आए दिन नए नए रूमर सुनने को मिल रहे हैं मार्वल की स्पाइडरमैन 3 से, जो कि कहीं ना कहीं सच साबित होते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस की रूमर, फिर इलेक्ट्रो की रूमर, जबकि दोनों अलग अलग यूनिवर्स से के स्पाइडरमैन के विलन हैं। एक टोबे मैग्वायर की स्पाइडरमैन 2 का विलन है, तो दूसरी ओर इलेक्ट्रो जो है वो एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का विलन है। अब इन दोनों के यूनिवर्स टॉम हॉलैंड कि आने वाली स्पाइडरमैन 3 में दिखने के हैं। आए दिन एक नया र्यूमर सामने निकल के आ जाता है। ऐसे ही नेटफ्लिक्स के चार्ली कॉक्स का र्यूमर निकल के आया है कि अब मार्वल के डेयरडेविल के राइट्स वापस आ गए हैं मार्वल के पास, और पीटर पार्कर को एक लॉयर की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि जो काम बिगाड़ के गया है हमारा, क्या नाम था उसका, हाँ मिस्टीरियो, वो जो साला उसका नाम ख़राब करके गया है ना पीटर पार्कर का, उसके लिए उसको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि हमारा होगा मैट, यानी कि डेयरडेविल। ये तो हम जानते हैं पीटर को एक नए लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगा हमारा मैट, और कहीं ना कहीं मैट उसका केस लड़े, फिर बाद में उसकी आगे की फाइट्स में भी उसका साथ दे लड़ाई में, क्योंकि वो न्यूयॉर्क से ना दोनों के दोनों। ये मूवी अभी से इतनी हाइप में है, जब आएगी तो शायद कमाल ही कर देगी, क्योंकि एक मूवी में 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा।